हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। शाम के बज चुके हैं 6 और हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। भाई साहब, जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार एम्बाइब अचीव डिफेंस पर। तो हाउस द जोश ऑफिसर, सब लोग आ जाइए फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत ही धमाकेदार सेशन आज होने जा रहा है। धनंजय कुमार, फटाफट सब लोग आ जाइए भाई। क्लास थोड़ा सा हमारी 6 मिनट लेट हो गई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिस वजह से थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, लेकिन अब हम लोग पूरी तरह से लाइव आ चुके हैं और हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो फटाफट जुड़ना शुरू हो जाओ भाई। आज बहुत ही ज्यादा शानदार सेशन होने वाला है। जून का करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। भाई देखो बेटा, अब क्या है समझो कि CDS NDA, यहां पर आपको समझना होगा, CDS NDA का एग्जाम बेटा आपका 16 अप्रैल को होने वाला है। अब सारे बच्चे जानते हैं कि भाई CDS हो चाहे आपका NDA हो, आ जाओ। बिल्कुल बेटा राहुल कुमार सिंह, सारी PDF मिलती हैं, आप एम्बाइब अचीव डिफेंस के साथ जुड़िए, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो CDS और NDA के एग्जाम में बेटा अकेले 20 से 25 क्वेश्चन GS के सेक्शन में जो है करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मालूम है कि भैया अगर आपको 100% करके आने हैं तो आपको पूरे के पूरे 12 महीने का करंट अफेयर करना पड़ेगा। मतलब कि अप्रैल 2022 से लेकर के मार्च 2023 का करंट अफेयर्स तो भैया आपको करना ही करना है अगर आप पूरा चाहते हैं। देखो, अगर 6 महीने का करके जाओगे तो 60% क्वेश्चन कर पाओगे, अगर 9 महीने का करके जाओगे तो 85% क्वेश्चन करके जाओगे, और 12 महीने का करके जाओगे तो 100% क्वेश्चन करोगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि करंट अफेयर से भाई साहब क्वेश्चन जो आएंगे वो 12 महीने के अंतर्गत के पूछे जाएंगे। तो अभी मैंने आपको अप्रैल और मई पढ़ा दिया है, अब जून 2022 को अब हम आज शुरू करेंगे। तो जून 2022 में टोटल बेटा 60 क्वेश्चन हैं और बहुत मजा आने वाला है। अब 60 क्वेश्चन हैं, साथ में साथ के साथ जो है 60 न्यूज भी हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स पढ़ने का फायदा यह है बेटा कि एक तो आपको यहां तो फायदा मिल ही रहा है, जो मिल रहा है मतलब रिटन एग्जाम में तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कोई ऐसा एग्जाम है जहां पर आपका इंटरव्यू है या आपका SSB वगैरह है तो वहां पर करंट अफेयर्स आपको बहुत फायदा देने वाला है। तो सब लोग आ चुके हैं तो एक बार हरी झंडी दिखा दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एम्बाइब की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट जाइए और एम्बाइब की ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। एम्बाइब की ऐप प्ले स्टोर और IO स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप जो है बेटा आप अपने डाउट सीधे हमसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डू चेक इट आउट। हाय मिस्टर रॉयल, तो सब लोग आ चुके हो तो जल्दी बताओ यार, क्लास शुरू की जाए। धनंजय, राहुल, मिस्टर रॉयल, जल्दी बताइए तो फिर आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ तो ऐसे हैं जिनको आने की गारंटी एग्जाम में बहुत ज्यादा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन आज का। पहली क्वेश्चन जो है, फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में कि आप सोच नहीं सकते। रिसेंटली द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट ऑफ द कंट्री इन विच स्टेट। ठीक है, हाल में ही प्रधानमंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश के पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया? जल्दी बताओ, फास्ट, जल्दी 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 धनंजय, फास्ट। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, आसाम। राहुल कुमार सिंह का जवाब आ गया है मेरे पास, बहुत तेज, शाबाश। समीर आ चुके हैं, जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया। तो भाई भारत का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट जो है कालोल फैक्ट्री में शुरू किया गया है, गुजरात के कालोल में, KALOL कालोल में। और ये एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज याद करके जाइएगा, एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर आ रही है आपकी, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? विश्व के पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इट इज बीइंग सेट अप इन सिक्किम,
It will be used to study space debris. It was developed with the collaboration of European Space Agency. None of the above. जल्दी बताओ fast. इसका सही जवाब क्या होगा? Fast. हाँ जी. जल्दी. जल्दी. क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? जल्दी. राइट आंसर. हाँ जी, कहां पर लगाया गया है? जल्दी बताइएगा. इट वॉज डेवलप्ड विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी. अंतरिक्ष सहयोग विकसित किया गया. ये गलत है बेटा, नॉट करेक्ट पूछा गया है ना. सो नॉट करेक्ट राइट आंसर बेटा यहां पर धनंजय का जवाब आया है सी. जल्दी बताइए फास्ट. हाँ जी, सॉरी, इसका राइट आंसर जो है बेटा वो ए होगा. ये सिक्किम में नहीं है. सॉरी, इसका राइट आंसर ए होगा क्योंकि ये सिक्किम में नहीं बल्कि नैनीताल में स्थित है, याद रखिएगा. ठीक है, सो ये नैनीताल में स्थित है. राइट आंसर बच्चों इसका ए होगा. ए इसका राइट आंसर है. ठीक है, नैनीताल में स्थित है. हाँ जी, ठीक है. हाँ जी, देवस्थली ऑब्जर्वेशन में लगाया गया है. बिल्कुल सही है. और राइट आंसर बेटा इसका होगा, ये यहां पर है. ठीक है, ठीक है. हाँ जी, बिल्कुल सही है. क्वेश्चन नंबर 3, फेसलेस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस. दे देगा, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द फेसलेस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेस. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने फेसलेस रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसेस शुरू किए हैं. जल्दी बताइए. बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी को मालूम होगा. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, आसाम. जल्दी बताओ फास्ट, फटाफट सब लोग जवाब दीजिए. सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए. गलत जवाब आया है मेरे पास, राहुल जमखंडी साहब, गलत जवाब है. बिल्कुल सही है बेटा, राइट आंसर जो है महाराष्ट्र है. तो महाराष्ट्र ने फेसलेस आरटीओ की शुरुआत की है, याद रखिएगा. धनंजय बहुत बढ़िया, तो महाराष्ट्र ने फेसलेस आरटीओ की शुरुआत की है. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, न्यूज नंबर 4, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग. What is India's ranking in the latest edition of Times Higher Education Asia University Ranking 2022? Times Higher Education Asia University Ranking 2022 के नवीनतम संस्करण में भारत की रैंकिंग क्या है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, बहुत बढ़िया. ये आपको मालूम है कि भारत की काफी अच्छी रैंकिंग आई है यहाँ पर हायर एजुकेशन में. जल्दी बताइएगा. गुड इवनिंग सीताराम यादव. तो भारत की रैंकिंग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी. तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो एशिया की यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की जो रैंक है वो तीसरे नंबर पर आई है एशिया में. दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड. ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो इंडिया इमर्जेस थर्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन इन द टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, बैंगलोर में है. तो बहुत ही बढ़िया, टॉप 50 में आता है ये. बिल्कुल सही बात है, तो काफी फेमस है. ठीक है, याद रखिएगा. एक्स खान क्वेस्ट 2022. रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 बीइंग होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. हाल में ही भारत ने निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित एक संयुक्त रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया? जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तो भारत ने किस देश के साथ इसमें हिस्सा लिया है? और आपको मालूम है कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या बांग्लादेश. जल्दी बताओ फास्ट, तो किस देश के साथ भारत ने हिस्सा लिया है? धनंजय का जवाब आया है, राहुल कुमार सिंह का जवाब आया है. थोड़ा भाई जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देंगे तो उतना ईजी होगा. धनंजय का जवाब आ गया, रोशन ब्लॉगर लकी का जवाब आ चुका है. बिल्कुल बेटा, ये सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसका नाम है मंगोलिया. मंगोलिया के साथ हमने किया है. बहुत बढ़िया, शाबाश. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है एक्सरसाइज संप्रति 10. रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेटेड इन अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, एक्सरसाइज संप्रति 10 विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. आपको मालूम है ये एक्सरसाइज संप्रति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर साल पूछी जाती है. और ये किसके साथ भारत ने किया है? जल्दी बताओ, ये 5 से 16 जून के बीच हुई थी. बिल्कुल सही बात है. और ये दो देशों के बायलेटरल रिलेशन के भी काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम. तो संप्रति, एक्सरसाइज संप्रति, ये 10वां एडिशन था इसका.
बिल्कुल, और ये भारत ने बांग्लादेश के साथ की है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज बी, दैट इज बांग्लादेश। पूजा बहुत बढ़िया आंसर है। राहुल, धनंजय, वेरी गुड, क्या बात है, आज जवाब आ रहे हैं, शानदार, जबरदस्त, जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिएगा, श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट विच वॉज इन अ कंट्रोवर्सी रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच टेम्पल। श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना जो हाल में ही विवादों में रही, किस मंदिर से संबंधित है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये बेटा एक कॉरिडोर बनना था जिसको लेकर काफी बवाल हुआ है, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा। तो एक 75 मीटर का कॉरिडोर बनना था जिसके वजह से लोगों ने वहां पर काफी इसका विरोध किया था। तो काशी विश्वनाथ है, सबरीमाला है, जगन्नाथ है, या पद्मा पद्मा स्वामी टेम्पल है, जल्दी जल्दी फास्ट। तो इस एक एक कॉरिडोर बनना था 75 मीटर का जिसको लेकर के काफी बवाला हुआ यहाँ पर, और लैंड एरिया को लेकर। बिल्कुल सही बात है बेटा, ये यहाँ पर बवाल हुआ था, और ये बहुत ही फेमस टेम्पल है जो कि भगवान जगन्नाथ टेम्पल है, जो कि पुरी में है, उड़ीसा में। यहाँ पर ये बनना था और इसी को लेकर थोड़ा सा बवाल हुआ था। तो श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट यहां पर बनाया गया था, इसको लेके थोड़ा बवाल था, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगला अगला देखिएगा, सदर्न येलो बिल्ड हॉर्नबिल, देखिएगा, सदर्न येलो बिल्ड हॉर्नबिल विच वॉज रिसेंटली न्यूज इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एफ्रीकन कंट्री। सदर्न येलो बिल्ड हॉर्नबिल जो हाल में ही खबरों में था, निम्नलिखित में किस अफ्रीकी देश में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, बहुत बढ़िया। ये काफी न्यूज में थी, अभी आपने देखा होगा, और ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सदर्न अफ्रीकन वाले साइड में ज्यादा फेमस है। इथोपिया तो आप जानते हैं ईस्टर्न अफ्रीका में है, वहां पर ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो इथोपिया तो बेटा ईस्टर्न अफ्रीका का हिस्सा है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फर्स्ट फिशिंग कैट सेंसस हैज रिसेंटली बीन डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। विश्व की पहली फिशिंग कैट जनगणना हाल में ही निम्नलिखित में किस स्थान पर की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशिंग कैट। हाँ जी, आपने सुना होगा फिशिंग कैट सेंसस पहली बार हुआ है चिल्का लेक पर, पुलिकट पर, सांबल पर, बे ऑफ बंगाल पर, जल्दी बताओ। हाँ जी, तो यहां पर बेटा करीब 176 फिशिंग कैट्स हैं, और ये उड़ीसा के चिल्का लेक पर हुई हैं। तो उड़ीसा के चिल्का लेक इज द राइट आंसर। 176 जो है फिशिंग कैट्स हुई हैं, सेंसस यहां पर हुआ, जिसके बाद ये मालूम चला कि 176 फिशिंग कैट्स हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देख सकते हैं, द चिल्का लेक इज होम टू 176 फिशिंग कैट्स अकॉर्डिंग सेंसस डन बाय द चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी। द सेंसस वाज कंडक्टेड इन कोलैबोरेशन ऑफ द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। दिस इज अ वर्ल्ड फर्स्ट फिश वर्ल्ड फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ फिशिंग कैट विच हैज बीन कंडक्टेड आउटसाइड द प्रोटेक्शन एरिया नेटवर्क। साइंटिफिक नेम फिशिंग कैट ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगली खबर आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन न्यूज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी जो हाल में ही खबरों में रही, निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ड्रोन्स, ईवी टॉल, फाइटर जेट्स, या स्पेसशिप, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ जी, आपने सुना होगा बेटा इसके बारे में, ये एक एयरक्राफ्ट होते हैं। हाँ जी, ई वी टॉल एयरक्राफ्ट होते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हैं होवर करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए, और लैंड करने के लिए। तो होवर करना हो, लैंड करना हो, या टेक ऑफ करना हो, इसके लिए जो है बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा देखो ये क्वेश्चंस, फायदा तुम्हें क्या हो रहा है समझो, कि ये भैया देखो तब तक तुम नहीं कर पाओगे अगर तुमने एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स पे नजर नहीं डालते थे। तो अगर एक्सप्रेस 365 पर नजर थी आपकी, तो आप जो है बेटा इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे देंगे, वरना आपको परेशानी होने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, पुलिट्जर प्राइज से आया है, बहुत इंपॉर्टेंट। विच न्यूज़पेपर वन द पुलिट्जर प्राइज 2021 इन द पब्लिक सर्विस कैटेगरी। किस अखबार ने लोक सेवा श्रेणी में पुलिट्जर प्राइज 2021 जीता। द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, द आशाई सिंहभूम, या योमरी सिंहभूम, जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये प्राइज किसने जीता है पब्लिक कैटेगरी में, ठीक है? हाँ जी, सो पब्लिक कैटेगरी में किसने जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी देखिएगा। सो पब्लिक कैटेगरी में ये किसने जीता है, बिल्कुल सही है बेटा, द न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी शुरुआत 1917 में हुई है, 100 साल से पुराना न्यूज़पेपर है, और इसे जो है बेटा कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा मैनेज किया जाता है। इसने जो है पब्लिक सर्विस के लिए मिला है, और पुलित्जर प्राइज आपको मालूम है कि ये जो है आपका जर्नलिज्म में काफी बड़ा है। सर जुलाई मंथ का सीए कब, सर कल जुलाई मंथ का सीए होगा क्या? बिल्कुल सही बात है राहुल कुमार सिंह, आज जून है, कल जुलाई है, परसों अगस्त है, ठीक है? तो बिल्कुल सही है, आप लोग आते रहिए और जुड़े रहिए, और हम लोग लगातार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है, आजादी का अमृत महोत्सव से क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड रिलीज अ न्यू सीरीज ऑफ कॉइंस विद आजादी का अमृत महोत्सव डिजाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस डिजाइन। हाल में ही प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव डिजाइन के साथ सिक्कों का एक नई श्रृंखला जारी की है, निम्नलिखित में कौन सा मूल्य वर्ग इस डिजाइन में शामिल नहीं है? तो 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, कौन सा इसमें शामिल नहीं है फास्ट? हाँ जी, तो ये प्रधानमंत्री जी ने जारी किए थे, 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं, 20 रुपए। सो 1, 2, 5, 10, 20, तो 1, 2, 5, 10 और 20 के हैं, लेकिन इसमें 50 का नहीं है, ठीक है? तो 1, 2, 5, 10 और 20 ये इसमें शामिल है, 50 का सिक्का इसमें नहीं है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा, 50। नेक्स्ट अगला देखिएगा, ठीक है? तो 75 साल हमारे आजादी के हुए, इसको लेकर आजादी का अमृत महोत्सव चल ही रहा है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? रिसेंटली रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट प्लांट इन द वर्ल्ड नेम पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिसिस इज अ टाइप ऑफ, हाल में ही शोधकर्ताओं ने पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिसिस नामक दुनिया का सबसे बड़े पौधे की खोज की है, जो एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे ऑस्ट्रेलिया में ढूंढा गया है, ये बेसिकली क्या है, बुश है, सी ग्रास है, क्लेम्बर्स है, या क्रीपर्स है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, हाँ जी, तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा एक्सप्रेस 365 करंट अफेयर्स में, और नहीं पढ़ा है तो बहुत गलत बात है, अगर आप करें एक्सप्रेस 365 में नहीं आते हैं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। राइट आंसर है बेटा सी ग्रास, हाँ जी, तो सी ग्रास है ये बेसिकली, और इसे ऑस्ट्रेलिया में मिला है, याद रखिएगा, ठीक है? ये करीब 4,500 साल पुराना, और ये जो है 180 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? ओके, शार्क बे नाम की एक जगह है वहां पर, ठीक है? ये देखिए, मेडिसिन स्काई प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विद विच इंडियन स्टेट। मेडिसिन स्काई परियोजना किस भारतीय राज्य के साथ विश्व आर्थिक मंच का एक सहयोग है? केरल, तेलंगाना, आसाम, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत बढ़िया, हाँ जी हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे इसलिए शुरू किया गया है ताकि जो वैक्सीन्स हैं उन्हें जो है आपके रूरल प्लेसेस में पहुंचाया जा सके। तो जो वैक्सीन्स हैं उन्हें रूरल प्लेसेस में पहुंचाने के लिए ये शुरू किया गया है, और ये किसके साथ, वर्ल्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किस स्टेट के लिए किया है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज तेलंगाना, तो तेलंगाना इज द राइट आंसर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट वैक्सीन एंड मेडिकेशन टू द रूरल प्लेस, तेलंगाना हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट कॉल्ड मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ठीक है? और इसका जो इनॉग्रेशन है विकाराबाद तेलंगाना में किया गया, और इसमें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिसेंटली विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू मेक इट्स सीएम द चांसलर ऑफ द स्टेट रन यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ गवर्नर्स? ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। दरअसल हुआ ये बेटा कि हमारे देश में एक नियम है कि जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका चांसलर जो होता है वो गवर्नर होता है, और गवर्नर वाइस चांसलर से नियुक्ति करता है। जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उनका चांसलर राष्ट्रपति होता है और वाइस चांसलर से नियुक्ति करता है, लेकिन भारत का एक राज्य है जिसने अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गई, और उन्होंने एक नियम बनाया जिसके तहत कि जब स्टेट रन यूनिवर्सिटीज होंगी उनका चांसलर सीएम होगा, गवर्नर नहीं होगा। बिल्कुल सही है बेटा, ये पश्चिम बंगाल ममता दीदी ने ये किया है हंगामा, और वो हंगामा करने के लिए मशहूर भी हैं, आप जानते हैं। तो वेस्ट बंगाल पासेज अ बिल दैट विल रिप्लेस द गवर्नर एज द स्टेट यूनिवर्सिटी चांसलर विद द सीएम, ठीक है? ममता बनर्जी जी ने लिया है, ठीक है? हाँ जी,
अब ये देखिएगा, रिसेंटली रशिया हैज डिफीटेड यूक्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि रशिया ने यूक्रेन को हराया है किस बैटल में? बैटल ऑफ डॉनबास, बैटल ऑफ क्रीमिया, बैटल ऑफ सेवरोडोनेत्स्क या बैटल ऑफ सिवर्क्स। जल्दी बताओ, अभी रशिया ने यूक्रेन को हराया किस बैटल में? अब ये आज के समय में तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहते हैं कि हो सकता है कि आज से 100 साल बाद जब इतिहास के पन्नों में हो तो ये पूछा जरूर जाएगा, लेकिन आज करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशिया ने यूक्रेन को कौन से बैटल में हराया है। ठीक है, तो रशिया ने यूक्रेन को अभी 2022 में बैटल ऑफ सेवरोडोनेत्स्क में हराया है। ठीक है, सो बैटल ऑफ सेवरोडोनेत्स्क में जो है अभी रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन को हराया था। बिल्कुल सही है, राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गेकोस, गेकोस आर रेप्टाइल्स आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट। गेकोस सरीसृप हैं जो कि सभी महाद्वीप पे पाए जाते हैं, सिवाय कहां पर? गेकोस के बारे में आपने सुना होगा, जल्दी बताओ। सो गेकोस कहां नहीं पाए जाते हैं? हाँ जी, ठीक है, ये एक रेप्टाइल्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि रेप्टाइल्स हैं तो बेटा अंटार्कटिका में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अभी इनको लेके न्यूज में थे काफी। ठीक है, हाँ जी, तो ये अभी एक न्यूज में थे इसी वजह से। ठीक है, अभी प्रॉब्लम ये थी यहां पर क्या है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए थे इसीलिए न्यूज में थे। ठीक है, डिजिटल वैक्सीन, देखेगा डिजिटल वैक्सीन क्या है? मोबाइल ऐप बेस्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म, अचीव एम्बेडेड ह्यूमन बॉडी, अ वेबसाइट फॉर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड एंड्रॉयड ह्यूमनाइड डॉक्टर। डिजिटल वैक्सीन क्या है? अभी आपने न्यूज में देखा होगा। ठीक है, हाँ जी, जल्दी बताओ। ये बताओ डिजिटल वैक्सीन ये क्या है? अभी आपने न्यूज में देखा होगा, ये काफी चल रहा था। इसमें क्या है कि इंसान अपने दिमाग को ट्रेन करता है टू डू और नॉट टू डिंग और टू डिवॉइड डिजीजेस। मतलब होता क्या है ना बेटा, कहते हैं ना वैक्सीन जो होती है बीमारी नहीं, वैक्सीन जो है वो इलाज नहीं है, वैक्सीन इज द प्रिवेंशन, इट इज नॉट अ क्योर। तो वैक्सीन जो होता है वो प्रिवेंशन होता है, क्योर नहीं होता है। तो ये एक मोबाइल ऐप बेस्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि आपको ये करना है या नहीं करना है, ताकि आप उस बीमारी से बचे रहें। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। नेवल एक्सरसाइज इन द मेडिटेरेनियन सी, रिसेंटली नेटो फोर्सेस पार्टिसिपेटेड नेवल एक्सरसाइज इन द मेडिटेरेनियन सी विद विच एशियन कंट्री। हाल में ही नेटो बलों ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ भूमध्य सागर में नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी देखो, गलत मत करना। नाटो के बारे में आप जानते होंगे, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो काफी बड़ा है, जिसको लेकर रशिया भी अभी काफी बवाल मचा रहा था। रशिया यूक्रेन वॉर में नेटो का इंटरफेरेंस भी हो रहा था। सो अभी रिसेंटली नाटो जो है बेटा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिटेरेनियन सी में जापान के साथ नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। बिल्कुल सही है। सो नाटो के मिलिट्री कमेटी के चीफ है रॉब ब्योरर, वो टोक्यो गए थे और वहां पर उन्होंने इस पे भाग लिया, बताया भी था। अभी देखिए, कॉर्वेट के बारे में आपने सुना होगा। कॉर्वेट इज अ टर्म रिसेंटली सीन इन यूज एसोसिएटेड विद द डिफेंस फोर्स इज एन। कॉर्वेट क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ नेवल शिप्स होते हैं, एन आर्मर सूट विद कैमोफ्लैश टेक्नोलॉजी, नेवल इक्विपमेंट टू डिस्ट्रॉय बिग वॉरशिप्स या बुलेट प्रूफ जैकेट। कॉर्वेट्स के बारे में आपने सुना होगा, ये नेवी में बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। जल्दी बताओ कॉर्वेट क्या है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी बताइएगा। आपने सुना होगा कॉर्वेट्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी, कॉर्वेट्स क्या होते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है बेटा। ये स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ नेवल शिप, जैसे कि नेवल शिप्स होते हैं, बड़े नेवल शिप्स होते हैं जिन्हें बेटा हम वॉरशिप्स कहते हैं, उसके अलावा फ्राइगेट्स होते हैं, उसके अलावा कॉर्वेट्स होते हैं, ये छोटे शिप्स होते हैं, ये इन्हें जो है बेटा हम कॉर्वेट्स कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ नेवल शिप एंड इट फॉल्स बिलो द वॉरशिप और अ फ्राइगेट। दीज आर हाईली एजाइल शिप्स एंड अ कैटेगराइज मिसाइल बोट्स, एंटी सबमरीन शिप, कोस्टल पेट्रोल क्राफ्ट, फास्ट ट्रैक नेवल वेसल्स। द इंडियन नेवी एट प्रेजेंट हैज द कोमात्रा क्लास कॉर्वेट विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्ट 28। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश। 20 क्वेश्चन हो गए भाई, 20 न्यूज हो गई यार। जल्दी से एक बार सारे लोग सेशन को
लाइक और शेयर करो भाई, जल्दी बताओ मार्क्स कितने आ रहे हैं, 20 में से भी सही कितने किए हैं या सब गलत किए पड़े हो, बताओ तो जल्दी से लाइक और शेयर। अभी सिर्फ 24 लाइक हुए हैं, इतने कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिसेंटली द 12th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 5 years इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। हाल में ही 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 5 वर्षों के अंतराल के बाद निम्नलिखित में किन शहर में हुआ, ब्यूनो आयरस, बाली, जिनेवा या कैनकन, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, WTO तो आप जानते होंगे, वर्ल्ड, जी हाँ, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1994 में बना था। उससे पहले बेटा हम इसे किस नाम से जानते थे, उससे पहले इसे GATT, जनरल अग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था, और ये इनकी मीटिंग अभी रिसेंटली जिनेवा में हुई। आपको मालूम है WTO का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, राइट आंसर इज सी। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 164 मेंबर्स हैं, सबको मालूम है। इन स्पेस देखिएगा, रिसेंटली द हेडक्वार्टर्स ऑफ इन स्पेस एन ऑटोनॉमस नोडल एजेंसी एक्ट एज अ मीडियम बिटवीन इसरो एंड द प्राइवेट स्पेस सेक्टर इन इंडिया इज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही इसरो और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करने वाली एक स्वास्थ्य नोडल एजेंसी इन स्पेस का मुख्यालय का उद्घाटन किस शहर में हुआ, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा। बहुत बढ़िया। तो बेटा होता क्या है कि आजकल आप जानते हैं कि हमारे देश में आपका हमारे देश में क्या हो रहा है कि आजकल प्राइवेट स्पेस एजेंसीज बहुत सारी आ गई हैं। तो इसरो जो है हमारे देश की सेंट्रल एजेंसी है, और प्राइवेट एजेंसीज और इसरो के बीच में समन्वय बनाने के लिए एक बॉडी बनाई गई इन स्पेस, जिसका हेडक्वार्टर जो है बेटा अहमदाबाद गुजरात में रखा गया है। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये होगा, बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे, शाबाश, गुजरात का अहमदाबाद इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, हाँ जी, रामसे हंट सिंड्रोम, ये सुना है इसके बारे में, ये एक बड़ी फेमस बीमारी होती है, इसे रामसे हंट सिंड्रोम कहते हैं। हाँ जी, रामसे हंट सिंड्रोम इज अ रेयर डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द वेरिजोला जोस्टर वायरस दैट मेजॉरली इफेक्ट्स। रामसे हंट सिंड्रोम वेरिजोला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला एक दुर्लभ विकार है जो प्रमुख रूप से प्रभावित करता है फेशियल नर्व्स, लोअर लिम्स, कार्डियक मसल या लंग टिश्यूज। ये मुझे भी हो चुका है 2017 में, जी हाँ, 2017 में मुझे ये हो चुका है, रामसे हंट सिंड्रोम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अभी एक एक्टर को हो गया था, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये मुंह के बिल्कुल बीच में ऐसे आता है और एक पार्ट हर्ट करता है। ठीक है, तो इसे रामसे हंट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। जस्टिस बाइबर को, जी हाँ, जस्टिन बीबर के बारे में सब लोग जानते होंगे, फेमस यूट्यूबर, बहुत ही फेमस सिंगर। हाँ जी, सबने गाने सुने होंगे जस्टिन बीबर। तो बेसिकली फेशियल नर्व्स को अटैक करता है। हाँ जी, फेशियल नर्व्स पर, तो क्या मुंह ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन कुछ समय बाद वापस सही हो जाता है। ठीक है, तो रामसे हंट सिंड्रोम इसे कहते हैं। ठीक है, वेलेडो जवारी इज अ टर्म विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली। वेलेडो जवारी एक शब्द है जो हाल में ही खबरों में था, क्या है, फेमस ड्रग कार्टल है, ब्राजीलियन अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ट्राइबल पेंटिंग आर्ट है, एंशियंट वॉर इक्विपमेंट है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपने अभी सुना होगा, ठीक है, हाँ जी, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट यहां से गायब हो गया था। तो ब्रिटिश जर्नलिस्ट इस एरिया से गायब हो गया था, और ये एक बड़ा ऐसा एरिया है जहां पर बहुत सारी इंडिजिनस ट्राइब्स रहती हैं। तो ये ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट का एक एरिया है, यहाँ पर एक ब्रिटिश जो है बेटा क्या हुआ था, एक जर्नलिस्ट थे और ब्राजीलियन इंडिजिनस अफेयर के एक्सपर्ट थे, वो यहां से गायब हो गए थे। तो ये बेसिकली एक एरिया है जिसका नाम है वैले डे जवारी, ये ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में है। ठीक है, हाँ जी, इसीलिए न्यूज में था, ये काफी रिमोटेस्ट पार्ट में है। ये देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हम्म,
रंगायकी अमल इज रिलेटेड टू परफॉर्मिंग आर्ट्स इन ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1927 मद्रास शी वाज द ओनली वुमन अमंग द 23 artist who performed at the event. She blazed a trail by playing complex mathematical combination with ease. Which of the following performing art she is associated? रंगाई की अमल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जल्दी बताइएगा. हाँ जी. ड्रामा है, डांस है, पपेट्री है, म्यूजिक थिएटर है. हाँ जी. धनंजय कुमार क्या नाम था? यस सर, आपने बताया था, बिल्कुल सही बात है. राइट आंसर इज बी, दैट इज नृत्य से संबंधित है. शाबाश, बहुत बढ़िया. ठीक है, टैकलिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस प्रमोटिंग ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस इज द थीम ऑफ रिसेंटली हेल्ड World of Work Summit in Geneva is organized under the aegis of which organization? यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 26 को देखो. हाँ जी, नाम से ही मालूम चल रहा है. Tackling multiple global crises, promoting human-centered recovery and resilience is the theme of the recently held World of Work Summit in Geneva, organized with which? किसके संबंधित है? हाँ जी, जल्दी बताओ. ये यूनाइटेड नेशन से है, इंटरनेशनल लेबर से है, रोटरी इंटरनेशनल से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से है. बिल्कुल सही है. राइट आंसर बेटा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है. लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि ILO जो है UN बॉडी है, लेकिन इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस की शुरुआत से पहले हुई थी. मतलब UN बना 1945 में, जबकि ILO जो है वो 1919 में ही बन गया था. हेडक्वार्टर जिनेवा में है. ठीक है, नेक्स्ट. ये भी बड़ा अच्छा है. व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स विच इज लॉन्च रिसेंटली? जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड 19 वैक्सीन का क्या नाम है जो हाल में ही लॉन्च किया गया? जल्दी बताओ भैया. हाँ जी, जल्दी. एनिमल शील्ड, एनोकोवैक्स, एनिको वैक्सीन या एल्ट्रोवैक? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ. तो जानवरों की पहली कोविड 19 वैक्सीन क्या नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 27. हाँ जी, हाँ जी, जल्दी बताओ. ये डॉग, लायन, लेपर्ड्स, इन सब पे लगाई गई. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एनोकोवैक्स, एनोकोवैक्स इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर सी है, बी है. बहुत अच्छा. International Military Council on Climate and Security is a group of senior military leaders, security experts and security institutions across the globe dedicated to anticipating, analyzing and addressing the security risk of a changing climate was launched in. जल्दी बताओ. क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28. हाँ जी, बहुत बढ़िया. आपने सुना होगा इसके बारे में. इंटरनेशनल मिलिट्री काउंसिल ऑन क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी इज अ ग्रुप ऑफ सीनियर मिलिट्री लीडर्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द ग्लोब डेडिकेटेड टू एंटिसिपेटिंग, एनालाइजिंग एंड एड्रेसिंग द सिक्योरिटी रिस्क ऑफ अ चेंजिंग क्लाइमेट वॉज लॉन्च्ड इन. जल्दी बताओ, फास्ट. बहुत बढ़िया धनंजय. इसका मतलब धनंजय, एक बात बताओ, इससे एक चीज मुझे साबित होती है कि तुम एक्सप्रेस 365 पर बहुत ही सही से नजर रखते थे. लगता है मुझे एक्सप्रेस 365 पर नजर तुम्हारी हमेशा बहुत बढ़िया रही है, तभी तुम क्वेश्चनों के सही जवाब दे रहे हो. बहुत अच्छे, शाबाश. ये देखिएगा, रिसेंटली विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैज कंप्लीटेड इट्स 21 ईयर ऑफ इट्स डेवलपमेंट एंड प्रूव टू बी अ की एसेट फॉर डिफेंस फोर्सेस? हाल में ही किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपने निर्माण के 21 वर्ष पूरे किए और रक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुई? जल्दी बताओ. ये तो सब लोग बता दोगे, त्रिशूल, ब्रह्मोस, आकाश नाग. जल्दी, क्वेश्चन नंबर 29, इजी वन यार, इजी वन. जल्दी बताओ. बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया. सो राइट आंसर है बेटा ब्रह्मोस. ब्रह्मोस मिसाइल इज द राइट आंसर. ओके, बहुत अच्छे. ये देखिए क्वेश्चन 30. रिसेंटली अ प्रोग्राम नन्ही परी एम्स टू प्रोवाइड अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू पेरेंट्स
एलिमिनेटिंग द नीड टू विजिट वेरियस ऑफिसेस टू ऑब्टेन डॉक्यूमेंट्स स्टार्टेड विद स्टेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए लोग जो है इधर से उधर जाते रहते हैं, ठीक है। तो गर्ल चाइल्ड जब पैदा होती है तो उसके इधर से उधर उसको सोशल स्कीम्स के दिलाने के लिए तो नन्ही परी ये एक प्रोग्राम शुरू किया गया है वन स्टॉप सॉल्यूशन टू पेरेंट्स के लिए, जिससे उन्हें वेरियस ऑफिसेज में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसे कहाँ पे शुरू किया गया है, आप जानते हैं बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें भारत में आती हैं और ज़्यादातर अच्छी स्कीमें अगर आप देखेंगे सोशल वे तो दिल्ली में बहुत अच्छी स्कीमें मिलेंगी आपको, ठीक है। सो राइट आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली इज द राइट आंसर। भाई 30 क्वेश्चन हो गए, आधे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बार सारे लोग सेशन को लाइक बटन जरूर दबाइए यार, अगर क्लास अच्छी लगती है तो, क्लास बढ़िया लग रही है तो लाइक बटन दबाते रहिए, वरना कोई बात नहीं भैया, जल्दी बताइए। जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, फास्ट, जल्दी, शाबाश। ओके नेक्स्ट, अ रिसेंटली अ यूनिक सेट ऑफ फॉसिल्ड डायनासोर एग्स विद वन एग नेस्टिंग विद इन द अदर एट द डायनासोर फॉसिल इज फाउंड इन विच स्टेट। हाल में ही किस भारतीय राज्य में जीवाश्म डायनासोर के अंडे का एक अनूठा सेट पाया गया है जिसमें एक अंडा दूसरे के भीतर रहता है, जल्दी बताइएगा। तो डायनासोर के यू क्लास इंटरेस्टिंग पूजा, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बहुत बढ़िया। तो कहाँ पाया गया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कहाँ पर पाया गया है, मध्य प्रदेश, फास्ट। जी हाँ, तो यूनिक सेट ऑफ फॉसिल डायनासोर एग पाए गए हैं, बिल्कुल ये राइट आंसर बेटा, मध्य प्रदेश में पाया गया है, बिल्कुल सही है, शाबाश। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं रिसर्चर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैव डिस्कवर्ड अ यूनिक सेट ऑफ फॉसिल डायनासोर एग विद वन एग नेस्टिंग विद द अदर एट द डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में, ठीक है। नेम द फिनोमेना बाय विच लाइट शाइनिंग फ्रॉम फार अवे इज बेंड एंड पुल्ड बाय द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स सोर्स एंड द ऑब्जर्वर, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 32, ये भी अभी काफी न्यूज में था, हाँ जी काफी न्यूज में था, ग्रेविटेशनल मिररिंग, ग्रेविटेशनल लेंसिंग, कॉस्मिक मिररिंग या कॉस्मिक लेंसिंग, हाँ जी ये काफी न्यूज में था, बिल्कुल सही है, ये बेटा ग्रेविटेशनल लेंसिंग है, ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी है। रिसेंटली अ टर्म फैट फिंगर वॉज इन न्यूज एसोसिएटेड विद, हाल में ही खबरों में रहा फैट फिंगर शब्द किससे जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33। फैट फिंगर क्या होता है, अब सोचो फैट फिंगर यहां पर क्या होता है, ये अब समझो होता क्या है बेटा, कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, ये मैंने आपको पढ़ाया था फैट फिंगर, अब होता क्या है समझो, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट कंसेप्ट है कि एक ट्रेडर है, वो क्या है शेयर मार्केट में बैठा है, किसी वो भाई कंप्यूटर पे किसी शेयर का प्राइस चढ़ा रहा है, मान लो कि शेयर मार्केट में किसी शेयर का प्राइस 20 रुपए और उससे 10 और दब गया तो वो 200 रुपए हो गया, अब भले ही कुछ सेकंड ही रहा हो लेकिन उस समय में खरीद बेच हो गई तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है ऐसे में, ठीक है। तो इसे फैट फिंगर कहा गया, जहां पर इंसान से गलती से कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में स्पॉन्टेनियस डिसीजन लिए जाते हैं चीजों में, ठीक है, तो वहां पर अगर कुछ ऐसा हो जाए तो फैट फिंगर कंसेप्ट वहां पर आया था, ठीक है, शेयर मार्केट में। नेक्स्ट, रिसेंटली ब्लू ड्यूक इज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट बटरफ्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जल्दी बताओ। तो ब्लू ड्यूक को रिसेंटली किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई की गई है, ठीक है, हाँ जी जल्दी बताइएगा। लद्दाख, दादरा नगर हवेली, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 34, फास्ट, ब्लू ड्यूक, फास्ट फास्ट फास्ट, ब्लू ड्यूक, क्या बात है पूजा, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए, जवाब तो आ रहे हैं मेरे पास, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, ब्लू ड्यूक जो है बेटा सिक्किम इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, तो सिक्किम में बनाया गया है इसे। ये देखिएगा यहां पर सेलेनोइडिस फैंटास्टिकस, अ जाइंट टॉर्टाइस स्पीशीज डिस्कवर्ड,
आफ्टर सेंचुरी ऑन फर्नांडिंडा आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? जल्दी बताओ। तो फर्नांडिंडा द्वीप समूह पर एक शताब्दी के बाद खोजी गई विशाल कछुआ प्रजाति चेलोनाइडिस फेटास्टिस किस देश का हिस्सा है? हाँ जी, फर्नांडिना आइलैंड्स, जल्दी बताओ। यहां पर एक बहुत बड़ी प्रजाति पाई गई है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35। फास्ट क्वेश्चन नंबर 35। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोलंबिया, ब्राजील, गैबॉन या इक्वाडोर? हाँ जी, कोलंबिया, ब्राजील, गैबॉन या इक्वाडोर, बिल्कुल सही है। इक्वाडोर इज द राइट आंसर, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्चुअल डिजिटल एसेट? निम्नलिखित में कौन सा वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं है? क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, डेफाई या नॉन फंजिबल टोकन्स? जल्दी बताइए कौन सा वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36। हाँ जी, आपने सुना होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट कौन सा नहीं है। अभी आपने सुना होगा भारत सरकार ने कहा है कि जो TDS है वर्चुअल डिजिटल करेंसीज पर 1% रहेगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, डिजिटल करेंसी जो है ना, ये थोड़ी ना है, इज नॉट अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। ठीक है, वर्चुअल नहीं है। डिजिटल करेंसीज तो आजकल आपने सुना होगा कि ये RBI लाने की तैयारी में भी है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। रिसेंटली रीम नेवल बेस वॉज इन न्यूज एसोसिएटेड विच साउथ एशियन कंट्री? हाल में ही खबरों में रहा रीम नेवल बेस किस दक्षिण पूर्वी एशिया देश से जुड़ा हुआ है? आपने सुना होगा यहां पर नेवल बेस खोला है किसी ने। हाँ जी, रीम नेवल बेस ये क्यों न्यूज में था पहले ये बताओ, जल्दी बताओ। रीम नेवल बेस ये न्यूज में क्यों था ये तो बताओ सब लोग। जल्दी बताइए, जल्दी, फास्ट। रीम नेवल बेस बिल्कुल सही है, कंबोडिया में। हाँ जी, ये न्यूज में क्यों था, चाहिए बताओ अब न्यूज में क्यों था, देखते हैं कि कितना तुमने पढ़ा है। रीम नेवल बेस खबर में क्यों था बताओ, बताओ, पढ़ा था ना, पढ़ा था तो बताओ मुझे क्यों न्यूज में था। बताओ, नहीं मालूम ना, कौन ही आता। वॉट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज विच इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट यूजिंग विच मोबाइल फोन्स कैन रिसीव टेरेस्ट्रियल डिजिटल TV? उस तकनीक का क्या नाम है जिसे हाल में ही समाचार में देखा गया जो ब्रॉडबैंड और प्रसारण के अभिसरण पर आधारित है जिसके उपयोग से मोबाइल फोन टेरेस्ट्रियल डिजिटल TV प्राप्त कर सकते हैं? जल्दी बताइएगा, आपने इसके बारे में सुना होगा। हाँ जी, धनंजय कह रहे नहीं याद है, ठीक है, इसका आंसर बेटा कमेंट बॉक्स में करना, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर, ढूंढ के करना कमेंट बॉक्स में। ये रीम नेवल बेस क्यों मशहूर था? हाँ जी, जल्दी, फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा, इसे D2M टेक्नोलॉजी के नाम से जाना गया, D2M डायरेक्ट टू मोबाइल। हाँ जी, रिसेंटली विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट RBI लाइसेंस PPI टू लॉन्च कैश विड्रॉल यूजिंग अ रूपे पावर्ड कार्ड फ्रॉम एनी ATM अक्रॉस द कंट्री? हाल में ही कौन सी कंपनी देश भर में किसी भी ATM से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी शुरू करने वाली पहली RBI लाइसेंस PPI बन गई है? तो ओमनी कार्ड, यूनी कार्ड, मास्टर कार्ड या गो कार्ड, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 39। हाँ जी,
विक्की डोंगरे साहब गलत जवाब है, राइट आंसर है बेटा ओमनी कार्ड। हाँ जी तो रिसेंटली इसको मिला है, बिल्कुल सही है। हाँ जी रिसेंटली विच F1 प्लेयर वन द अजरबैजान ग्रांड प्री 2022, हाल में किस F1 खिलाड़ी ने अजरबैजान ग्रैंड प्री 2022 जीता है? मैक्स वेस्टापेन, सर्जियो पेरेस, जॉर्ज रसेल या सेबेस्टियन वेटल? जल्दी बताओ अजरबैजान ग्रैंड प्री किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 40। हाँ जी हाँ जी, चलिए मैं हिंट दे देता हूँ, रेड बुल टीम ने जीता है, रेड बुल टीम ने जीता है। आप जानते हैं F1 में टीमें होती हैं, तो रेड बुल टीम ने जीता है। अब रेड बुल कौन चलाता है जल्दी बताइएगा? रेड बुल टीम, बिल्कुल सही है, मैक्स वर्स्टापेन इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश सौरभ सिंह यादव। एक बार सारे लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते हैं, ठीक है? क्लास खत्म हो जाए गया सोचना, कुछ मजे करें। विपिन यादव साहब क्या बात है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो क्लास शुरू हुई है बेटा, नहीं खत्म भी हो जाएगी जल्दी, लेकिन अभी से सारे लोग भाई अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक बटन जरूर दबा दिया करें, ठीक है? मतलब हमने तो सोचा था कि इस क्लास में कम से कम 50 लाइक्स तक पहुंचेंगे, मतलब हम 28 लाइक्स पर बैठे हैं, 50 तक पहुंचना था, लेकिन अभी हम 22 की कमी पर हैं, ठीक है? क्लास अच्छी लगे तो जरूर करिएगा। चलिए ओके नेक्स्ट। रिसेंटली द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा लॉन्च्ड एन 8 डे लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री? आपने इसके बारे में सुना होगा। हाँ जी जल्दी बताओ, बहरीन, यूएई, मनामा, कुवैत। फास्ट फास्ट फास्ट, 41। तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, हाँ जी ये बहुत बढ़िया, फास्ट जवाब दो यार इसका जल्दी। तो इसे बहरीन में किया था याद रखिएगा, ठीक है? अल जजीरा ग्रुप की मदद से। रिसेंटली नीरज चोपड़ा सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड विद अ जेवलिन थ्रो ऑफ 89.30 एट द पावो नुर्मी नुर्मी गेम्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो हाल में नीरज चोपड़ा निम्नलिखित किस देश में आयोजित पावो नुर्मी खेलों में 89.30 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? जल्दी फास्ट, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ जी भाई साहब, हमारे चोपड़ा साहब नए पे नए रिकॉर्ड बनाए पड़े हैं, जल्दी बताइए। 42 पावो नुर्मी गेम्स, पावो नुर्मी गेम्स। हाँ जी बिल्कुल सही नहीं है धनंजय, गलत, फिनलैंड में हुआ था, फिनलैंड इज द राइट आंसर, शाबाश। विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 43। हाँ जी तो लेजिस्लेटिव बॉडी को जो है बेटा इन्होंने क्या किया है, जो विधानसभा या विधान परिषद है उन्हें डिजिटलाइज कर दिया है, ठीक है? बिल्कुल सही है। तो नागालैंड, अरुणाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात। फास्ट जल्दी, राइट आंसर इज नागालैंड, नागालैंड ने ऐसा किया है, शाबाश। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रेन टू बी ऑपरेटेड बिटवीन कोयम्बटूर एंड शिरडी बाय प्राइवेट ऑपरेटर? वाह 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 वाह, तो भैया रेलवे में भी आप देख सकते हैं निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने पहली ट्रेन का क्या नाम है? हेरिटेज ऑन व्हील्स, भारत गौरव, अयोध्या सर्किट या भक्ति रास एक्सप्रेस? जल्दी भक्ति रास, क्वेश्चन नंबर 44। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी विक्की डोंगरे गलत, इसका नाम रखा गया है बेटा भारत गौरव एक्सप्रेस, तो भारत गौरव एक्सप्रेस इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टिमेटेड थ्रू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के माध्यम से निम्नलिखित किसका अनुमान नहीं लगाया गया है? की एम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वेज प्राइस स्पाइरल? जल्दी क्वेश्चन नंबर 45।
भाई समझो, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे होता है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो जब बेटा पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे है, तो उसमें वेज प्राइस स्पाइरल नहीं होता है। राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। रिसेंटली अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेल फाउंड इन द विशालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल में ही विशालगढ़ कंजर्वेशन में घोंगे की एक नई प्रजाति जिसका नाम हैप्लो टाइकियस साइड्रेनेसिस पाई गई है, कहां पर? जल्दी बताओ। तो ये विशालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? कोई बात नहीं विपिन यादव साहब, आराम से मजे करिए, लेकिन उस मजे में कुछ सीख भी लीजिए, तो मुझे लगेगा कि आप का मजा लेना भी काम का आ गया। जल्दी। हाँ जी, घोंघे की एक नई स्पीशीज पाई गई है विशालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में। राइट आंसर है महाराष्ट्र। रिसेंटली गूगल हैव डेवलप्ड अ न्यूरल नेटवर्क एंड एआई टेक दैट अटेम्प्ट्स टू मिमिक द वेब ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन टू लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी? हाल में ही गूगल ने एक न्यूरल नेटवर्क विकसित किया है, एक एआई तकनीक जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के वेब की नकल करके प्रयास करती है और मनुष्यों की तरह व्यवहार करती है। इस तकनीक का क्या नाम है? जल्दी बताओ। बॉट्सीफाई, मोबाइल मंकी, इंप्रेशन या लैम्डा? हाँ जी जल्दी बताइएगा फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ये किया है, बिल्कुल सही है धनंजय। राइट आंसर इज लैम्डा, LAMDA। इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। ठीक है। I2U2 इज अ न्यू ग्रुपिंग विच इज फोकस स्पेंडिंग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉपरेशन द मिडिल ईस्ट एंड एशिया। विच इज द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग? यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, इंडिया, इसराइल। बहुत आसान है, I2U2 सुना होगा। आई दो है और यू दो है। क्वेश्चन नंबर 48 इजी है। अब जाहिर सी बात है कि ईरान को तो कोई हिस्सा बनाएगा नहीं, तो इंडिया है इसमें। ठीक है। हाँ जी, तो इंडिया है बेटा। ठीक है, और इसराइल है, यूके है और यूएस है, तो ईरान इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली पब्लिश ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट विच स्टेट यूटी वॉज ऑन टॉप ऑन द बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन एशिया? जल्दी बताओ। दिल्ली, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। हाँ जी, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत में बेस्ट कौन है? बेस्ट इन एशिया। जल्दी, दिल्ली, कर्नाटक, केरल या महाराष्ट्र? तो बेटा यहां पर याद रखिए, केरला का जो स्टार्टअप है उसको सबसे बढ़िया माना गया है। ठीक है, तो कहते हैं केरल का स्टार्टअप कल्चर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और वो काफी ज्यादा जो है फ्रेंडली है, मतलब उसमें काफी मदद मिल रही है लोगों को। ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट। इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट चेस इवेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन 100 ईयर हिस्ट्री टू बी ऑर्गेनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अगर आप उस शहर गए होते तो आप देखते वहां चारों तरफ यही लगा हुआ था। हाँ जी जल्दी, फास्ट क्वेश्चन नंबर 50। जी हाँ, तो 100 साल में बेटा तमिलनाडु। जी हाँ, बिल्कुल सही है, चेन्नई में हुआ था। क्रांति गाथा गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरी रिसेंटली इनॉग्रेटेड। जल्दी बताओ, क्रांति गाथा, इसके बारे में मैंने खुद पढ़ाया था आपको, कहाँ पर लगाई गई है? हाँ जी, क्रांति गाथा, हमारे जो क्रांतिकारियों की गाथाएं बताई जा रही हैं। ठीक है, गैलरी ऑफ रिवॉल्यूशनरीज,
ये रिवॉल्यूशनरी सी गैलरी है, इसे सेटअप किया गया है बेटा महाराष्ट्र में, ठीक है, बहुत बढ़िया, राजभवन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट एवर बालिका पंचायत ऑफ द कंट्री स्टार्टेड, निम्नलिखित किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू हुई है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। भारत की पहली बालिका पंचायत, हां जी, फर्स्ट, बिल्कुल जल्दी बताइए, भारत की पहली बालिका पंचायत स्टार्ट हुई है बेटा गुजरात में, ठीक है, हाँ जी, गुजरात इज द राइट आंसर, शाबाश। रिसेंटली साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड माइक्रो स्विमर्स दैट कैन मूव इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी एंड कैन ट्रीट मेनी डिजीज टारगेटेड, बेसिकली रन्स ऑन विच फ्यूल। हाल में वैज्ञानिकों ने माइक्रो स्विमर विकसित किए हैं जो मानव शरीर के अंदर घूम सकते हैं और लक्षित कई बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, मूल रूप से किस ईंधन पर चलते हैं, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 53। फूड इनकैप्सुलेशन, फ्लो ऑफ ब्लड, लाइट या चेंज फॉर न्यूरल सेल्स, हाँ जी, जल्दी फास्ट। साइंटिस्ट ने बनाया है बेटा माइक्रो स्विमर्स जो कि लाइट्स पे चलते हैं, ठीक है, राइट आंसर सी है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इज बिंग सेटअप इन लद्दाख इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, थिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चैंगटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कारोकरम या नंदिनी, हाँ जी फास्ट। तो इंडिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व लगाया गया है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बैठा चैंगटांग वाइल्ड सेंचुरी में, बिल्कुल सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। रिसेंटली अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हैव फाउंड अ 200 प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इन अ केव इन द फॉरेस्ट एरिया ऑफ बारगूर हिल, लोकेटेड कहां पर है, ये भी बहुत फेमस है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, क्वेश्चन नंबर 55। वॉलंटियर्स ने ढूंढा है बेटा, स्वयं सेवकों के समूह ने निम्नलिखित किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्थित बारगूर हिल में वन क्षेत्र में एक गुफा में 200 अधिक ये चीजें ढूंढी हैं, राइट आंसर है बेटा आपका तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, राइट आंसर तमिलनाडु है, ठीक है, हाँ जी। When a cryptocurrency backed loan uses digital currency as a collateral similar to securities based loan, this is called, जब एक cryptocurrency समर्पित ऋण प्रतिभूमि आधारित ऋण का सम्मान सापेक्षिक रूप से डिजिटल मुद्रा का उपयोग करता है तो इस शब्द को क्या कहा जाता है, क्रिप्टो फाइनेंसिंग, क्रिप्टो लेंडिंग, क्रिप्टो फंडिंग, क्रिप्टो क्रेडिट, क्वेश्चन नंबर 56। हाँ जी, बहुत बढ़िया, फास्ट। When a cryptocurrency backed loans यूज ए डिजिटल करेंसी एज कोलेट्रल, तो डिजिटल करेंसी कोलेट्रल रख के आपने किया है तो इसे बेटा हम क्रिप्टो लेंडिंग कहते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, राइट आंसर भी हो जाएगा। द वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट विच वॉज रिसेंटली न्यूज एसोसिएटेड इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट, हाँ जी 57, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, फास्ट। फास्ट बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज नेपाल, नेपाल इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च्ड अ कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट करियर जिसका नाम है फुजियान, कैटापुल्ट आप जानते हैं ना, वो चेन की मदद से पीछे खींचकर चीजों को रिलीज करना, जैसे आपने पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के देखा होगा कैटापुल्ट का इस्तेमाल होता था, हाँ जी, तो कैटापुल्ट का इस्तेमाल करके फुजियान ये निकाला है चाइना ने, बिल्कुल सही है, राइट आंसर भी हो जाएगा। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 वाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, हाँ जी, ALH मार्क 3 अभी रिसेंटली किसमें इंट्रोड्यूस किए गए, जल्दी, बहुत बढ़िया, फास्ट फास्ट फास्ट।
बिल्कुल सही है बेटा, कोस्ट गार्ड में लाए गए हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हु वन द प्रेस्टिजियस वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द ईयर 2022, जल्दी बताओ। मैगी स्विपसेड, लुइस एडरिक, मैग मैसन या रुथ ओजिकी। हाँ जी, इसका नाम है बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। हाँ जी, सो बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज रुथ ओजिकी। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। तो ये हो गया भैया हमारा डन। ये 60 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको करने हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, फास्ट। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, सबको क्लियर हो गया यहां तक? जल्दी फास्ट सब लोग बताइए मुझे। हाँ जी, ये 60 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको करने थे। ठीक है बच्चों, ओके। बाकी आपको थोड़े बहुत और क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे अगर आप हमारा जो है पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। तो एम्बाइब की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो फटाफट जाइए और एम्बाइब की ऐप को आज ही डाउनलोड करें। एम्बाइब की ऐप प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। एम्बाइब पर मिलती है आपको हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो कीप एम्बाइबिंग, एम्बाइब को डाउनलोड जरूर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो अपने डाउट सीधे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एम्बाइब अचीव डिफेंस, को डाउनलोड करें, अरे सॉरी, इसके साथ जुड़ें ताकि अपडेट्स, नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।